हेलो फ्रेंड, जितने भी बच्चे एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एक क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि मेजरली जो बच्चा है वो तैयारी करता है कैट के एग्जाम की और कैट में जीके नहीं आता, बट बाकी जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे वो स्नैप हो, आईएफटी हो, टिस हो, सीमैट हो, इन एग्जाम्स में जनरल नॉलेज जो है वो भाई मेक और ब्रेक है आपके एंट्रेंस का। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है हर एग्जाम के लिए, क्या स्पेसिफिक जीके आती है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। यार सबसे पहले मैं बात करता हूँ आईएफटी के एग्जाम की। आईएफटी एग्जाम जो है वो एक भाई प्रीमियम एग्जाम है। अगर आप एमबीए टारगेट कर रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या फिर इंटरनेशनल बिजनेस में, तो ये जो आपका पेपर आता है आईएफटी का, इसमें जो जीके एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, आप जीके करना कैसे है, आईएफटी की जीके थोड़ी अलग आती है। इसका अगर हम लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस निकालें तो भाई हमें पता चलता है मैक्सिमम जो क्वेश्चन आया है वो वर्ल्ड जीके और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज से आया है। उसके बाद स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है, ब्रांड से क्वेश्चन आता है, एंटरटेनमेंट हो गया, ज्योग्राफी 7% क्वेश्चन है, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन है, इंडियन जीके 13% है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेजर पार्ट है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसमें वो बिजनेस अवेयरनेस रिलेटेड आएंगे। इसमें क्वेश्चन आता है कंट्री करेंसी का, क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स का, और कोई ऐसा टॉपिक करंट अफेयर्स का जिसका स्टैटिक जीके से भी रिलेशन हो। फॉर एग्जांपल करंट में मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ है तो वो आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ हमारे टोटल अमेंडमेंट्स कितने हैं। तो इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं जो करंट से रिलेटेड हो। तो अगर आपको आईएफटी का जीके तैयार करना है तो इसके लिए भाई हमारे चैनल पे वीडियोस आएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन फॉलो करते रहना ताकि आपको ये पता चल जाए कब आई है। लास्ट ईयर भी मैंने पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का कंटेंट यहाँ पे डाला था, आप देख सकते हो सबसे ऊपर टॉप वीडियोस में भी आ रहा होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ये जीके। और अगर आप साथ में इसका करना चाहते हो तो भाई एक काम करो, लास्ट 1 ईयर की भाई बिजनेस अवेयरनेस में मेजर जो बिजनेस डील्स हुई हैं, कौन से ब्रांड ने किसको खरीदा है, जैसे वॉलमार्ट ने भी फ्लिपकार्ट को खरीदा है, बड़े बड़े एक्विजिशंस क्या हुए हैं, मर्जर्स क्या हुए हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज लास्ट ईयर कौन रहे हैं, कौन रहा है टाइम ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर, या फिर किस कौन रिचेस्ट पर्सन बना है, अमेजोन का फाउंडर कौन है, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। तो इस टाइप के सारे कर लो, एंड साथ में भाई इंटरनेशनल बिजनेस की बातें पढ़ लो कि इंडिया और रशिया में क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, नॉर्थ कोरिया यूएस में क्या चल रहा है, चाइना यूएस में क्या चल रहा है। तो इस तरह से आप कर लोगे तो काफी ज्यादा रेडी रहोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जाम की, स्नैप की, तो स्नैप का जो एग्जाम है भाई वो कहता है मैं आपको दूंगा करंट अफेयर्स। भाई उनके करिकुलम में लिखा था हम आपको सिर्फ करंट अफेयर्स देंगे, लेकिन करंट अफेयर्स देंगे लास्ट 2 ईयर्स की। तो लास्ट 2 ईयर्स की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है, इसके अलावा स्नैप में और कुछ नहीं आता। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि जीके का जो सेक्शन होता है बच्चों उसमें टाइम नहीं लगता। अगर आपको आंसर आता है तो आप 1 सेकंड में टिक कर दोगे, तो वो जो आप टाइम सेव कर रहे हो वो आप दूसरे सेक्शन में लगा सकते हो, एंड आपने यहाँ पे जो आंसर टिक करा है उसके मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स आपको करना है तो लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, करंट अफेयर्स 1 ईयर की कंपाइल करी हुई, उसे पूरा का पूरा देख लो। इस साल की जो करंट अफेयर्स है वो अभी कंपाइल होकर थोड़े दिनों में चैनल पे आ जाएगी, उसको देख लेना। अदरवाइज आप एक ऐप डाउनलोड कर लो इन शॉर्ट्स, वहाँ पे भाई डेली सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, वो पढ़ लो एंड उससे भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है, उसके बाद किसको कौन सा अवार्ड मिला है लास्ट ईयर में, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसके अलावा बेसिक करंट अफेयर्स कि भाई कौन सा सैटेलाइट कहाँ पे लॉन्च हुआ है, क्या चल रहा है, मंगलयान किसका था, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो निकल के आते हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ टिस की, तो टिस का बच्चों अगर एक एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो इसके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ही जनरल नॉलेज है, क्योंकि टिस के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 में से 40 क्वेश्चन जीके के आते हैं। लेकिन बच्चों 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पे स्टैटिक और करंट दोनों जीके पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक जीके वो जीके होता है जो चेंज नहीं होता, मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये जो चीज़ है। और करंट अफेयर्स के कम क्वेश्चन आते हैं तो स्टैटिक जीके ज़्यादा आएगा। इसमें आपको हिस्ट्री करना है, हिस्ट्री के साथ आपको पॉलिटी करना है, पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद साइंस आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको सिविक्स पढ़ना है, उसके बाद आपने देखा होगा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है, काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए थे, ब्रह्मो समाज वगैरह, ये सारा आपको तैयार करना है यहाँ पे। उसके बाद भाई जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज रहे हैं हिस्ट्री के, उसके बाद यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि कौन सा भाई कल्चर कहाँ का है, ये वाला डांस कौन से स्टेट का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, या फिर ये वाली पेंटिंग कहाँ मिलेगी, अजंता केव्स कहाँ लोकेटेड है, कौन से एम्पायर में बनी थी, मुगल्स, गुप्ताज, ये सारी चीज़ें भाई आपको पता होनी चाहिए। तो हिस्ट्री का डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है आर्ट एंड कल्चर से, तो ये दो टॉपिक काफ़ी अच्छे से कर लेना। उसके अलावा जो भाई 40 क्वेश्चन की बात करूँ तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आप देखोगे 34 to 35 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड होंगे। करंट का जो कंपैरिजन है थोड़ा सा कम रहता है, तो स्टैटिक जीके पे काम करो, कोई बुक पढ़ो, लूसेंट की बुक हो गई या एरिसन की अरिहंत की बुक हो गई, तो ये बुक पे आप कर सकते हो। इसमें भाई आपका काफ़ी सारा
कंटेंट कवर हो जाएगा, तो ये वाली आप जीके की बुक्स बाय कर लो, स्टैटिक कंटेंट पढ़ो, ज्योग्राफी का कंटेंट पढ़ो, फर्स्ट कौन था, हाईएस्ट कौन था, लार्जेस्ट, तो ये टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा निकल के आते हैं। उसके बाद बच्चों अगर सीमैट की बात करूँ तो सीमैट के पेपर में भाई टोटल आते हैं 100 क्वेश्चन, उसमें से 25 क्वेश्चन जीके का होता है, और इसका जो भाई प्रपोर्शन डिवाइडेड होता है वो ऐसा होता है हाफ हाफ, तो हाफ क्वेश्चन जो है वो आपके स्टैटिक जीके आएंगे और हाफ क्वेश्चन जो है वो आपके करंट जी के आएंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों पढ़ना है, करंट अफेयर्स आप पढ़ने पड़ेगी, बिजनेस अवेयरनेस पढ़नी पड़ेगी, उसका स्टैटिक की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसका पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ये टॉपिक एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। एंड भाई वीडियोज जो है करंट अफेयर्स वगैरह की अवेलेबल रहेंगी, स्टैटिक की मैं वीडियोज टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ, तो फॉलो करते रहना चैनल। उसके बाद अगर जैट की बात करूँ बच्चों, तो जैट में लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन जी के आते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं ये काउंट नहीं होते पेपर में। तो भाई जैट के पेपर में जैसे एसे राइटिंग हो गया और जीके हो गया, इनके मार्क्स आपके कट ऑफ में काउंट नहीं होंगे, लेकिन आप इस सेक्शन को छोड़ नहीं सकते। इसकी कट ऑफ काफ़ी कम रहती है, 2 या 3 नंबर रहती है, और मेजर जो प्रपोर्शन रहता है वो करंट अफेयर्स का रहता है। तो अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिए और आपने भाई 2-3 क्वेश्चन भी ठीक से कर लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैट में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो डिसीजन मेकिंग पढ़ो अच्छे से, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का एक मेजर रोल रहता है, अच्छा टॉपिक है, जीके से हटके है। जीके में आप ज़्यादा इसमें फोकस नहीं भी करोगे तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये थी मेजर जनरल नॉलेज की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पेपर में आ रहा है, क्या क्या टॉपिक पर फोकस करना है। तो भाई इसके अलावा और कोई डाउट हो तो यहाँ मुझे व्हाट्सएप कर देना 9958937705 पे, या फिर भाई आप हमें ईमेल कर सकते हो। उसके बाद भाई चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, ताकि भाई आपको सारी जीके की वीडियोस एंड इंपॉर्टेंट जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू, टेक केयर।